खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। जी हाँ दोस्तों, ये हम पंक्तियाँ कई बार हमारी किताबों में पढ़ चुके हैं। भारत के इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। अब उसी कहानी को, उसी किरदार को पर्दे पर उतारना इस बार जिम्मा लिया है डायरेक्टर कृष्ण ने। देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में कितना दमखम होता है। फिलहाल जो उसका टीजर सामने आ चुका है दोस्तों, उसका रिव्यू लेकर आ गए हैं हम इस वीडियो में। क्या शानदार किरदार नजर आ रही हैं एक बार फिर से कंगना रनौत। फिल्म के लेखक वही हैं जिन्होंने भाग मिल्खा भाग, बाहुबली जैसी फिल्में लिखी है। ऐसे में मणिकर्णिका में दम है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं। बात करें अभिनय की तो कंगना के अभिनय से सभी वाकिफ है कि वो काफी अच्छी एक्टिंग करती है। क्वीन और तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा वो बनवा ही चुकी है, लेकिन इस बार फिल्म कुछ अलग है। इस बार उन्हें वीर दिखना है, साहसी दिखना है, और इस संघर्ष और साहस की कहानी में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार जिस तरीके से टीजर में निभा रही है कंगना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। टीजर में पूरी तरीके से सिर्फ कंगना रनौत को ही दिखाया गया है और साथ ही साथ किसी और यहाँ पर कैरेक्टर से हमें मिलवाया भी नहीं गया, लेकिन कंगना को जितना भी दिखाया इस टीजर ने रोंगटे खड़े कर दिए। एक साहस की कहानी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। किस तरीके से झांसी की रानी यानी कि मणिकर्णिका ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, ये कहानी हम हमेशा ही याद रखते हैं और दोस्तों इस पर काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। जब ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं कि ये तारीफों के पुल बटोर लेगी। लेकिन फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए से ऊपर का है, तो ऐसे में क्या ये बजट वो पार कर पाएगी, इस पर एक अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्योंकि इसका क्लैश है ऋतिक रोशन और इमरान हाशमी की फिल्मों से। ऐसे में मणिकर्णिका पर दबाव तो होगा, लेकिन कंगना इससे पहले भी कई बार हिट फिल्में दे चुकी है और 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। तो दोस्तों क्या मणिकर्णिका भी इस तरीके से सफल हो पाएगी? टीजर में जिस तरीके से शानदार VFX, शानदार अभिनय, शानदार दृश्य दिखाए गए हैं वो लाजवाब है, और फिल्म सफल होगी इसमें कोई भी दोहराई नहीं। आपको इस टीजर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में राय दें। सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।